الآن في رفح. सात अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया था। हालांकि इस हमले से पहले मिडिल ईस्ट में एक ऐतिहासिक घटना होने जा रही थी। वो ये थी कि अमेरिका की मध्यस्थता में सऊदी अरब और इसराइल अपने रिश्ते को सुधारने जा रहे थे और इसको लेकर दोनों देशों के बीच समझौता भी होने वाला था, लेकिन हमास के हमले की वजह से ये बातचीत पटरी से उतर गई थी। और अब जब रफा में इजरायली फौज घुस चुकी है तो उसकी कई मुस्लिम देशों ने आलोचना की है, लेकिन इन हालातों के बावजूद अमेरिका एक बार फिर से सऊदी अरब और इजरायल की दोस्ती कराने वाला था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि रफा की जंग इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है। दरअसल हमास के हमले के बाद से अभी तक सऊदी अरब ने इसराइल के ऊपर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरान ने इसराइल पर गाजा के इसराइल पर लगातार नरसंहार करने का आरोप लगाया है। फैजल ने कहा कि इसराइल ने टेंटों में रह रहे निहत्थे फिलिस्तीनियों पर हमला किया है और वो इस हमले को लेकर यरूशलेम को जवाबदेह मानता है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर एक बयान भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि राफा और पूरे कब्जे वाले फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए इसराइल जवाबदेह है। सभी अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय प्रस्तावों, कानूनों और मानदंडों का लगातार घोर उल्लंघन, फिलिस्तीनी लोगों द्वारा अनुभव की गई अभूतपूर्व मानवीय तबाही की भयावहता को बढ़ाता है। हम दुनिया से नरसंहार को रोकने और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने का आग्रह करते हैं। हालांकि सऊदी अरब के इन आरोपों के बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि वो सऊदी अरब से बातचीत पटरी पर लाने के लिए भविष्य में एक फिलिस्तीनी देश के रास्ते की मांग को ठुकराते हैं। हालांकि इस बयानबाजी के बीच उधर मेक्सिको में भी इजरायल को लेकर जमकर बवाल हुआ है। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का एक जत्था इजरायली दूतावास पर कूच करने जा रहा था, लेकिन दूतावास से कुछ ही दूर पहले इन प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। आपको बता दें कि इस भीड़ में कुछ प्रदर्शनकारियों ने अपना चेहरा छिपाया हुआ था, जबकि कईयों ने तो पुलिस पर पत्थरबाजी और लाठी डंडे तक चला दिए। आपको बता दें कि इन प्रदर्शनकारियों ने मेक्सिको के लोमास डे चैपुल्टेपेक शहर में बने डिप्लोमेटिक कॉम्प्लेक्स के पास उपद्रव मचाया था और इस प्रदर्शन में करीब 200 लोग थे जो राफा के लिए आपात कार्रवाई की मांग कर रहे थे, और इनमें से तकरीबन 30 लोगों ने बैरियर्स तोड़ दिए और ये इजरायली दूतावास की तरफ बढ़ गए थे, लेकिन पुलिस ने इनके ऊपर आंसू गैस छोड़ दी थी।